गोवा स्टेट, गोवा राज्य बहुत खूबसूरत है। भगवान ने गोवा को सब कुछ दिया, लेकिन अभी तक इन सभी नेताओं ने और पार्टियों ने मिलके गोवा को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज हम गोवा के यूथ की बात करेंगे। गोवा का यूथ बहुत डिस्टर्ब है, उसके पास रोजगार नहीं है। हमें गोवा के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है। हो सकता है क्या? हो सकता है। एक ही शर्त है, ईमानदार और अच्छी नीयत वाली सरकार चाहिए। गोवा के अंदर जॉब्स के लिए मैं 7 घोषणाएं आज कर रहा हूं, 7 अनाउंसमेंट। बिना सिफारिश के और बिना रिश्वत दिए गोवा के अंदर सरकारी नौकरी नहीं मिलती, इसे बंद करेंगे। सबसे पहला हम अनाउंसमेंट है, गोवा की हर सरकारी नौकरी के ऊपर गोवा के यूथ का अधिकार हो। गोवा के हर घर से एक बेरोजगार यूथ को रोजगार देने के लिए अरेंजमेंट करें। जब तक उसको रोजगार नहीं मिलता तब तक उसको 3,000 रुपए पर मंथ बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 80% जॉब्स विल बी रिजर्व्ड फॉर गोवन यूथ। टूरिज्म पे डिपेंडेंट फैमिलीज जो हैं, वो बेरोजगार हो गई। जो माइनिंग डिपेंडेंट फैमिलीज हैं, माइंस बंद हो जाने की वजह से वो भी भुखमरी के कगार पे आ गए हैं। तो जब तक उनका रोजगार रिस्टोर नहीं होता तब तक उन फैमिलीज को 5,000 रुपीज पर मंथ दिया जाए। दिल्ली में हमने अभी एक स्किल यूनिवर्सिटी बनाई है, ऐसी ही स्किल यूनिवर्सिटी हम गोवा के अंदर बनाएंगे, जिसमें 12वीं के बाद जो बच्चा जो भी स्किल सीखना चाहता है वो स्किल सीख के अपना नौकरी भी कर सकता, अपना जॉब भी कर सकता और नौकरी भी कर सकता। आप कहेंगे जॉब्स आएंगे कहाँ से? आने वाले टाइम में स्कूल्स को लेके नए नए स्कूल्स खोलेंगे, हॉस्पिटल्स को लेके नए नए हॉस्पिटल्स खोलेंगे, विलेज क्लिनिक्स खोलेंगे, सड़कें ठीक करनी है। अभी मैं सड़क से आ रहा था, सड़कें टूटी हुई है कि बहुत सारे काम करने हैं गोवा में, इसके लिए मैन पावर चाहिए, सारी मैन पावर गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉय करनी। कुछ लोगों ने पूछा पैसा कहाँ से आएगा, यही चीज दिल्ली के भी मीडिया वाले पूछते थे। जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी हमने कहा था हम बिजली मुफ्त करेंगे, मीडिया वाले पूछते थे पैसा कहाँ से आएगा, पैसा आया। हमने लूट रोकी, हमने ईमानदारी से सरकार चलाई, हमने भ्रष्टाचार रोका, हमने रिश्वतखोरी रोकी, उससे इतना पैसा बचने लगा, इतना पैसा बचने लगा, सबकी बिजली मुफ्त कर गोवा में भी करेंगे। मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। थोड़े दिन पहले सुना था कि सावंत साहब ने गोवा के अंदर पानी फ्री कर दिया, मुझे बहुत खुशी हुई। 4 साल पहले हमने दिल्ली में पानी किया था, अब मैंने सुना वहाँ इन्होंने डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज भी शुरू कर दी। हमने दिल्ली में 3 साल पहले डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज शुरू किया था। पर मेरा एक कहना है कि जो दिल्ली में काम हो रहे हैं वो उसको कॉपी कर रहे हैं, तो जब ओरिजिनल अवेलेबल है तो डुप्लीकेट की क्या जरूरत है।